दोस्तों विराट कोहली को T20 क्रिकेट में कौन से पोजीशन पर बैटिंग करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा T20 मैच बर्मिंघम में खेला गया, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। इंडिया के लिए ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और ऋषभ पंत, दोनों ओपनर्स ने पहले ही ओवर से इंग्लैंड के बॉलर्स को पेलना शुरू कर दिया, जहां रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में एक सिक्स लगा दिया था। दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने भी अटैक जारी रखा और डेविड विली के तीसरे ओवर से लगातार दो गेंदों पर 2 फोर लगा दिए। पहले 4 ओवर में ही दोनों प्लेयर्स ने बोर्ड पर 43 रन लगा दिए थे, पर 5वें ओवर में अच्छा खेल रहे रोहित शर्मा 31 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित के आउट होते ही इंडिया की इनिंग्स लड़खड़ाई और 7वें ओवर में पहले विराट कोहली 0 पर, वहीं अच्छा खेल रहे ऋषभ पंत भी 26 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार 3 विकेट गिरने के बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बीच 28 रनों की छोटी सी पर बहुमूल्य पार्टनरशिप हुई, जहां दोनों प्लेयर्स एकदम लय में दिख रहे थे। पर 11वें ओवर में क्रिस जॉर्डन ने पहले सूर्य कुमार यादव को 15 रनों पर, वहीं हार्दिक पांड्या को 12 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। इंडिया का स्कोर 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर के बाद। अब जडेजा और कार्तिक ने इनिंग्स को संभाला और इंडिया के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया, जहां 15 ओवर तक इंडिया का स्कोर था 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 5 ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपनी क्लास दिखाई और इंग्लैंड के बॉलर्स को पेलना शुरू किया। लियाम लिविंगस्टन के 16वें ओवर से जडेजा ने लगातार 3 फोर लगा दिए, वहीं क्रिस जॉर्डन के 17वें ओवर से 1 फोर और 1 सिक्स की मदद से 13 रन स्कोर किए। पर दोनों ओवर में इंडिया को 2 झटके भी लगे, जहां कार्तिक 12 रनों पर, वहीं हर्षल पटेल 13 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरी 3 ओवर में इंग्लैंड के बॉलर्स ने वापसी की और 3 ओवर में सिर्फ 25 रन ही दिए, जहां इंडिया का स्कोर था 170 रन 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद, जहां रविंद्र जडेजा 46 रनों पर नॉट आउट रहे। 171 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही, जहां जेसन रॉय को भुवनेश्वर कुमार ने पहली ही बॉल पर आउट कर दिया। वहीं जॉश बटलर को भी 4 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। स्ट्राइक पर नवे आए लियाम लिविंगस्टन ने लगातार 3 बॉल पर 3 फोर लगा दिए और इंग्लैंड की इनिंग्स को संभाला। पहले 4 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर था 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर आया 5वां ओवर, जहां पहली ही बॉल पर बुमराह ने लिविंगस्टन को 15 रनों के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया और पूरे ओवर से 1 भी रन नहीं दिए। पावर प्ले के आखिरी ओवर से आए 9 रन, जहां इंग्लैंड का स्कोर था 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद। पावर प्ले के बाद भी इंग्लैंड के विकेट्स गिरते रहे, जहां 7वें ओवर में हैरी ब्रुक्स, वहीं 10वें ओवर में डेविड मलान भी आउट हो गए। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर था महज 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर।